गाली देने वाली सास। संगीता एक खानदानी और संगीत में घराने की बेटी थी। पढ़ाई के लिए उसके दादा दादी उसके पास के कॉलेज में डालते हैं, जहां उसे मिलता है एक गबरू पंजाबी लड़का विवेक। कैसे मस्त सी लड़कियां, काश इससे मेरी शादी हो जाए। संगीता है वो, पता है कितने एलिट खानदान की लड़की है, नाम चलता है इनके दादा दादी का। इसकी माँ तो कहीं की राजकुमारी है ऐसा सुना है, ना कर चाकर की लाइन लगी रहती है इसके घर। अरे तो हम कौन से गए गुजरे परिवार के हैं, साढ़े भी ट्रक चलता है शहर विच। फिर क्या, संगीता के पीछे विवेक हाथ धोकर लग जाता है और फिर वही होता है जो हर कहानी में होता है, हीरोइन को हीरो से प्यार। लेकिन प्यार, अरे भाई यहाँ कहाँ जाकर जिंदगी रुकती है, जिंदगी तो अब शुरू होती है। गुस्ताखी माफ करना माँ, मैं विवेक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, कृपया इजाजत दें। ओ मेरी राजकुमारी, कौन है ये, कहाँ की सल्तनत रही है इन लोगों की, जाना पहचाना नाम तो नहीं लग रहा, कौन है इसके खानदान के लोग, दादा परदादा। माँ वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप सभी को मना लें और हम उनकी कोठी चले जाएं तो शायद सब पता चल जाएगा। तो समझ में आया कैसे पर्दे में सारी बातें भी हो गई। शांत लहजा, इज्जतदार और बड़े खानदानी लोग। लेकिन फिर संगीता की दादी। अरे संगीता को लड़का पसंद है तो हम चलेंगे उन लोगों के यहाँ बात करने। संगीता ये सुनकर जोर से खुशी के मारे चिल्ला पड़ती है, अरे वाह मजा आ गया। पहली बार संगीता के घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। दादी और माँ एक साथ संगीता की ओर देखते हैं। संगीता ये क्या, आपको ये किसने और कहाँ सिखाया? बेटा आप नहीं जानती कि घर में जोर जोर से कौन चिल्लाते हैं, वो कैसे लोग होते हैं जो तेज आवाज में बात करते हैं। संगीता को बचपन की सारी बात याद आ जाती है कि शांत रहना कितना जरूरी है। जी हमें माफ करें, गलती हो गई। बेटा भाषा इंसान की असली पहचान होती है, जिसकी भाषा पर लगाम नहीं वो इंसान नहीं। पर कोई बात नहीं, आगे से ना करना, और विवेक को बोल दीजिए हम कल आएंगे। संगीता की माँ सारी तैयारी कर लेना। और फिर अगले दिन ढेर सारे लोगों को लेकर संगीता का परिवार विवेक के घर जाता है। विवेक की माँ जो की पक्की पंजाबन होती है। और तेरी माँ की आंख, इतने बड़े बड़े थाल में इतना सारा मेवा फल और मिठाई, अरे वाह विवेक क्या हाथ मारा है। अरे माँ कायदे से रह ले, बड़े घर की लड़की है, मेरे प्यार के कारण शादी करने का राजी है, माँ प्लीज मेरी शादी ना तोड़वा देना ऐसी भाषा बोलकर। माँ को विवेक पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा तू भाषा का ज्ञान देगा, अरे तुझे बोलना ही तो मैंने सिखाया है। सभी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, जिस घर में जोर से बात भी नहीं की जाती उस घर की लड़की ऐसे घर में जहां सास बात बात पर गालियां देती है, अरे कैसे मैनेज करेगी। संगीता ये क्या है बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे मैनेज करोगी, ये लोग तो पास बिठाने के लायक भी नहीं है। तभी संगीता की सास हाथ में बड़ा सा हार लेकर संगीता के गले में डालती है। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन तुझे देख कर लग रहा है कि तू इस घर की रोशनी है मेरी बच्ची। ये बोलकर वो संगीता को चुम लेती है। सभी ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या करते हैं आपके पति और आपके पुत्र? जी ट्रक का चलाते हैं। अब नहीं वो आंटी माँ वो पुरानी बात कर रही है, हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, विवेक ट्रेवल्स है ना वो हमारा ही है। तभी विवेक के पिताजी भी आ जाते हैं। पता है लड़की वाले आ रहे हैं, लेकिन यह नहीं कि वक्त पर आ जाए। बहन जी बस करिए, मैं थोड़ी देर अगर यहाँ और रुकी तो लगता है कि कान से खून आ जाएगा।
अब माफ करिए, वो क्या है ना, मेरी बीवी बचपन से ही थोड़ी गाली गलौच देती है, हमने भी आदत नहीं छुड़वाई, वो क्या है ना प्यारी है हमारी। अरे प्यारी व्यारी कोई ना हो, वो क्या है ना, जब से शादी हुई है तब से ये तरक्की कर रहा है। हाँ ये भी है। फिर पिता संगीता की ओर देखते हैं और कितनी प्यारी बिटिया है, हम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई जो ये हमारे घर की बहू बनेगी। संगीता की माँ को विवेक के माँ पिता का व्यवहार अच्छा लगता है और वो संगीता की शादी के लिए मान जाती हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद अरे चल लो, सोते ही रहोगे क्या तुम लोग, खोलो कमरा। संगीता सास की बात सुनकर रोने लगती है। रोते रोते वो दरवाजा खुलती है, जहाँ सास उसे रोता हुआ देखकर और क्या हुआ मेरी बहू को, अरे बेटा क्या हुआ, विवेक तू नहीं कुछ बोला होगा पुत्र। पति को जोर जोर से डांट खाता देख संगीता और जोर से रोने लगती है। हाय रे क्या हो गया, कल तक तो ठीक थी, क्या हो गया बहू, किसी ने कुछ कहा क्या? माँ तूने ही तो कहा है। माँ को कौन तू कहता है, आप बोलिए ना। अरे देख देख तेरी बीवी कितनी संस्कारी है, और एक तू न जाने किस खानदान का है। संगीता पति को क्या सिखाती जब सास ऐसी भाषा में बात कर रही हो। सास तो चली जाती है, लेकिन संगीता विवेक को देखने लगती है। अब वो क्या है ना कि माँ बचपन से अब माँ जी को क्यों नहीं समझाती कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना किया करे। देखो जो तू समझा सकती हो तो समझा ले, मेरे तो बस की नहीं है और मुझे ना आदत सी हो गई है। तभी बहू की फोन पर मायके से फोन आता है। बेटी संगीता कैसी हो? माँ प्रणाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कुशल मंगल? संगीता को तो लग रहा था कि ससुराल की हालत देखकर माँ अब कभी उसके घर नहीं आएगी, लेकिन बेटा वो राजस्थान वाली तेरी मामी है ना, वे लोग शादी में नहीं आ पाए थे तो तुझसे मिलने आना चाहते हैं, हम शाम तक तुम्हारे घर आ जाएंगे। बाकी सब ठीक है ना, तुम्हारी सास? माँ माफ करें, लेकिन मामी तो बड़ी ही नकरीली है, मेरी सास को देखकर तो वो लोग बातें बनाएंगे ना। माँ मिलना है तो मैं ही आ जाती हूँ घर पर। लेकिन संगीता की माँ नहीं मानती और फिर शाम को सारा परिवार संगीता के घर पहुँच जाता है। इतने सारे लोग, मेला लगा है क्या, कौन है ये अजीब अजीब से लोग, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रामलीला से भाग कर आए। अरे ये क्या, ये तो बहू की माँ है। हे भगवान, ये क्या बोली जा रही है, ये संगीता की सास है क्या? हाँ वो क्या है ना, बहन जी ने पूरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का संभाला था पति के साथ मिलकर, तो थोड़ी जुबान थोड़ी वैसे बहन जी मैं संगीता की मामी हूँ जोधपुर घराने से, आप लोगों के घराने के बारे में बताया नहीं कुछ। संगीता समझ जाती है कि मामी सास से मजे लेने के मूड में है, तो वो जोर से चिल्लाती है। संगीता क्या हो गया बेटा? माँ चूहा, मेरे पैर के पास चूहा। अरे किस चूहे की हिम्मत हो गई जो मेरी बहू के पैर पर चढ़े, अब भी सबक सिखाती हूँ। संगीता की सास की बात सुनकर सारे मेहमान मुंह दबा दबा कर हंसने लगते हैं। संगीता को ये देखकर थोड़ी शर्म आती है, वो सास पर गुस्सा हो जाती है। क्या है माँ जी, न भाषा पर पकड़ है ना ही जुबान पर, सोचती भी है आप जो बोलती है उसका मतलब क्या होता है, जो मर्जी गाली दिए जा रही हैं। अरे कैसे खानदान की हैं आप, मैंने तो गलती ही कर ली शादी करके। संगीता ये बोलकर खड़ी रहती है, लेकिन सास जिसे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा था, आज तक जिस घर में वो रानी की तरह रह रही थी, वो शांत हो जाती है। वो खुद की बेइज्जती समझकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो क्या है ना, मेरी कंपनी से फोन आ रहा है, बेटा संगीता घर वालों को खिलाओ उनका मनपसंद खाना, हाँ मैं जरा आता हूँ। ससुर भी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विवेक,
वो क्या है ना, पापा के पास आज काम थोड़ा ज्यादा है, मैं जरा उनकी मदद कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ। एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं। कैसे लोग हैं, कोई आया है कुछ कदर ही नहीं है। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं, संगीता का गुस्सा देखकर तो मुझे भी गुस्सा आया था। वैसे संगीता ये पसंद तो तुम्हारी थी, तुम सब जानती थी, फिर अपनी सास पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और वो कर भी क्या रही थी, तुमको काटने के लिए जो चूहा आया उसी को तो मार रही थी। जो भाषा उनकी है वो तो रहेगी, लेकिन जो प्यार और स्नेह उनका तुम्हारे लिए दिखा वो किसी भी सास का बहू के लिए कम ही देखा जाता है। संगीता को माता पिता की बात से खुद की गलती का एहसास होता है। वो सास के पास जाती है और सासू माँ माफ नहीं करेंगी। सास संगीता के मुंह से गालियां सुनकर हंसने लगती है। गालियां मत दिया कर बहू, तू कौन सा मेरे जैसे खानदान से है, तू तो मैं तो आपकी ही बेटी हूँ माँ जी। चलिए और मुझे माफ कर दीजिए।